हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीतू। रेसिपी किचन विद नीतू में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए जिंजर गार्लिक पराठा की रेसिपी लेकर आई फ्रेंड। ये पराठा खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। इस पराठा को बनाने में ना तो आपको आटा गूंथने की झंझट है और ना ही बेलने की। बहुत ही जल्दी फ्रेंड ये पराठा बन के रेडी हो जाता है। तो आप इसे सुबह नाश्ते में या बच्चों के टिफ़िन में बना के दे सकते हैं फ्रेंड। बहुत ही सिंपल तरीके से फ्रेंड ये पराठा बनके रेडी हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए फ्रेंड, हमने मिक्सिंग बाउल ले लिया है और इस कप के मेजरमेंट से फ्रेंड एक कप हम मैदा ले लेंगे। अगर फ्रेंड आप मैदा यूज करना नहीं चाहते हैं तो आप गेहूं का आटा भी ले सकते हैं, उससे भी पराठा बन जाता है जल्दी। तो अब हम इसमें 1 टेबल स्पून रेड चिली डाल देंगे पाउडर और 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल देंगे और स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और साथ में फ्रेश हरी धनिया डाल देंगे और इसमें ऐड कर देंगे ये ऑयल। तो ऑयल हम इसमें बस 2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। इससे पराठा जो होगा बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। एक परफेक्ट इसका बैटर बना लेंगे हम। तो थोड़ा थोड़ा पानी फ्रेंड, आपको एक साथ पानी बिल्कुल भी नहीं डालना, बस थोड़ा थोड़ा पानी डालना है। अगर आप एक साथ इसमें पानी डाल देंगे तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे, बैटर अच्छा बिल्कुल भी नहीं बनेगा। बस थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आपको इसका अच्छा बैटर बना लेना है। तो अभी फ्रेंड थोड़ा सा थिक लग रहा है, तो अभी इसे ऐसे मिक्स करते जाएंगे और थोड़ा थोड़ा पानी इसमें ऐड करते जाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, बैटर बिल्कुल परफेक्ट है। मैं आपको इसकी थिकनेस दिखाती हूँ। इस तरीके से आपको इसकी थिकनेस रखनी है। आपको ज़्यादा पतला बिल्कुल भी नहीं करना, नहीं तो इसका पराठा अच्छा बिल्कुल भी नहीं बनेगा। तो चलिए फ्रेंड बनाना शुरू करते हैं। यहाँ देखिए फ्रेंड, हमने गैस पे पैन रख दिया है। इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। जो फ्रेंड हमने पराठा का बैटर तैयार किया था, तो कलछी से हम इस तरीके से बैटर को डालेंगे और अच्छे से इस पर फैला देंगे। तो आप छोटा बड़ा जैसा भी पराठा खाना चाहते हो उस साइज़ में इसको आप बना सकते हैं। तो बस इसे करने के बाद अब इसे 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि हल्का सा ऊपर ड्राई हो जाए। तो ये देखिए फ्रेंड, ड्राई हो गया है। तो अब हम इसे पलट देंगे। तो इसी तरीके से फ्रेंड, अगर आपको ऑयल पराठा में नहीं पसंद है तो आप ऑयल बिना ऑयल के भी पराठा इसको अच्छे से सेक सकते हैं। तो थोड़ा सा हम इस पर हल्का सा ऑयल लगा कर के पराठा को सेक लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा फ्रेंड ये पराठा टेस्टी लगता है और बहुत ही जल्दी फ्रेंड ये बन जाता है। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से इस पर कलर आ गया पराठा पे, देख सकते हैं। तो अब इसी तरीके से फ्रेंड थोड़ा सा हम इसे सेक लेंगे। ये देखिए पराठा बिल्कुल रेडी हो गया। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, हमने सभी पराठों को बना के रेडी कर लिया। इसके साथ हमने ये टमाटो केचप लिया है। तो ये जो पराठा है फ्रेंड बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बन के रेडी हो जाता है। ये देखिए, तो ये देखिए फ्रेंड बहुत ही ज़्यादा फ्रेंड ये पराठा सॉफ्ट लगता है, खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो आप इसे किसी भी चटनी के साथ इस पराठा को फ्रेंड खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो आप इस पराठा को फ्रेंड बनाइए और इन्जॉय कीजिए। फ्रेंड रेसिपी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप इस पराठा को घर पे बनाइए और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपसे ये पराठा कैसे बना। फिर मिलते हैं फ्रेंड नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।